help me to welcome on the stage Diamond Going Camp Ahmad and Rubina ji. Okay. Thank you very much, sir. Thank you. Let's sit down, please. मैंने एक किताब में पढ़ा, हार्ड वर्क एक्साइटमेंट कैन चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ. एंथुजियास्टिक लोग ही अपने साथ में लोगों को रख पाते हैं और एंथुजियास्टिक लोगों को सब लोग पसंद करते हैं. तो आप एक्साइटेड हैं? वाह. अच्छा, कितने लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं? सब लोग? वेरी गुड, वेलकम है. अच्छा, कितने लोग यहां पे डिसीजन लेने आए हैं? अच्छा, कितने लोग यहां पे हैं जो डिसीजन ले चुके हैं डायमंड जाने का? अच्छा, कितने लोग हैं जस्ट ऐसे आए हैं, चल देख लेते हैं क्या है ये, ऐसे करके कितने लोग हैं? वाह, ग्रेट. सभी तरह के लोगों का यहां पे स्वागत है, वेलकम है. देखिए, डिसीजन पे एक बात याद आई कि एक बार क्या हुआ कि एक आदमी मर के ऊपर गया और गॉड से बोला कि प्लीज मुझे वापस भेज दीजिए, एक बार चांस दीजिए मुझे. तो गॉड ने बोला क्यों वापस भेजूं? उसने कहा कि नहीं, प्लीज मुझे भेज दीजिए. क्यों? कि मैंने चार ही डिसीजन लिया और मैं ऊपर आ गया. क्यों? क्या चार डिसीजन लिया? तो उसने कहा कि देखिए, पहले डिसीजन मैंने ये ली कि जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि जिंदगी में कुछ करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए, तो मैंने बहुत मेहनत करके नौकरी पकड़ ली. जब नौकरी पकड़ ली तो फिर मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, और जब प्यार हो गया तो मैंने डिसाइड किया कि इसी लड़की से शादी करूंगा. और फिर पता है, ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन था, मैंने लास्टली उसी से शादी किया. और फिर तब तक में क्या हुआ कि हमारे बच्चे पैदा हो गए, तीन बच्चे हुए. तो मैंने सोचा कि इन तीनों को, एक को डॉक्टर, एक को इंजीनियर, एक को आईएएस बनाऊंगा. और मैं लग पड़ा, उनके साथ साथ में मैं भी पढ़ता था, और उन तीनों को अचीव करा दिया गोल, तीनों बन गए. तब तक मेरी बीवी ने कहा, ए जी घर तो बना ही नहीं है. तो उसने कहा कि अच्छा चलो घर बनाते हैं. फिर उसने घर बनाना शुरू किया. उस डिसीजन पर भी इससे को और मेहनत करना शुरू किया घर बनाने के लिए. अभी बोला कि अभी मैं चार रूम बनाया था, उसमें दो रूम प्लास्टर हुए थे, अभी दो रूम बाकी था. तब तक मैं 90 का हो गया और आपने ऊपर बुला लिया मुझे. शायद आप इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम लोगों के साथ में यही होता है. तो गॉड ने पूछा, ऐसा क्यों हुआ तुम्हारे साथ में? तो उन्होंने कहा कि रिस्क लेने से मैं डरता था जिंदगी में, और ओवर एनालिसिस एंड डाउट की वजह से मेरे जिंदगी का बाकी सारा टाइम बेकार चला गया. मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं यहां से, इस स्टेज से जो कुछ भी बात करूंगा, मैंने इस ब्रिट वॉल वाइट से सीखा है, अपने अपलाइन से सीखा है. और मैं आज आपको जो कुछ भी बताऊंगा, आप उसको अपनाने से पहले प्लीज अपने अपलाइन से चेक कर लीजिएगा. देखिए, हमारे और आपके बीच में किस चीज का फर्क है? हमारे और आपके बीच में टाइम एंड एफर्ट का फर्क है. हम कुछ ज्यादा टाइम से हैं और हमने कुछ एफर्ट करी है ज्यादा आपसे. मुझे पता है कि अगर आप यहां से जो कुछ भी सीखेंगे, उस सिंपल स्टेप्स को अगर आपने भी किया और टाइम थोड़ा दिया, तो आप बिजनेस में यहां पर डायमंड होंगे, इसमें कोई शक नहीं है. No doubt about it. देखिए, आज मैं कोई आपको शॉर्टकट नहीं बताने वाला, शॉर्टकट फॉर्मूला, क्योंकि ब्रिट वॉल वाइट ने ऑलरेडी इसको शॉर्टकट बना दिया है. इससे ज्यादा शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं होता. शॉर्टकट पे एक बात याद आई मुझे. एक बार क्या हुआ कि एक आदमी एक कूड़े पे, उसको चिराग मिला, और वो चिराग लेकर के घर आया और जोर जोर से रगड़ना शुरू किया. तो जब रगड़ रहा था तो वो चिराग फट गया, और जैसी चिराग फटा तो लोग घर के घायल हो गए. तो आप सोचते हैं आगे बोलो क्या है, तो खत्म है. लेकिन मोरल द स्टोरी क्या है? मोरल द स्टोरी यह है कि कोई भी लावारिस वस्तु बम हो सकती है. देखिए, जिंदगी में कई बार, राइट, कई बार आप समझदार है, आप समझ गए, आगे मुझे नहीं बताना मुझे, राइट. तो मैं ऐसा कुछ नहीं, अभी लोगों के पास माइक्रोवेव मेंटालिटी है, सब कुछ तुरंत गर्म करना चाहते हैं. तो मैं ऐसा भी कुछ नहीं अभी जल्दी बताने वाला यहां पे. लेकिन मैं कहता हूं, जिंदगी में अगर ग्रो करना है तो ग्रीन बनिए, ग्रीन.
इनोसेंट एंड ग्रीन। और मैं सूरत के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आपकी एक्साइटमेंट, आपकी इनोसेंसी काबिले तारीफ है। थैंक यू वेरी मच सूरत, थैंक यू वेरी मच। राइट, देखिए आज हम लोग प्रे करते हैं गॉड से कि आप इस हॉल से जब निकलें, जब इन किए थे और अभी जब आप निकलें तो मोर रिच। ये ऊपर वाले से प्रार्थना है। दोस्तों आप मुझसे जानना चाहते हैं कि ये बिजनेस में हम लोगों ने क्या किया, कैसे किया और आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। देखिए इस बिजनेस के अंदर में सक्सेसफुल होने के लिए जब मैं अपने अपलाइन से और अपने सिस्टम से देखना शुरू किया तो मुझे पता चला, पता है क्या, कि इस बिजनेस में आदमी दो बार पैदा होता है। एक बार तब जब इस दुनिया में आता है और दूसरी बार तब जब वो अपनी जिंदगी में वाय ढूंढता है, ड्रीम ढूंढता है, रीजन ढूंढता है इस दुनिया में वक्त गुजारने के लिए। मुझे नहीं पता था कि ये वाय क्या होता है जब मैं इस बिजनेस में आया, ड्रीम क्या होता है, मैं जानता नहीं था। मैं तो इस सिस्टम में आके समझा। जब मेरे अपलाइंस ने कहा कि तुम ड्रीम लिखो तो मेरे कलम ही नहीं उठ पा रहे थे। ये लिखने की बात कभी पहली बार कही जा रही है? अभी तक कॉलेज में, स्कूल में, कहीं पर भी मैंने ये ड्रीम लिखने की बात नहीं, मुझे ड्रीम लिखने के लिए कहा गया, कलम मेरे नहीं उठते थे। सच बताऊं क्यों नहीं उठते थे? क्योंकि मैं हाउ के खानदान से, हमारे घर में सारे लोग नौकरी करते, हमने पढ़ाई भी की तो ये जाना कि कैसे कोई चीज होता है, यही जाना। मेरे जो दोस्त थे वो सब भी वही जानते थे। वाय के बारे में तो पता ही नहीं, ड्रीम के बारे में तो पता ही नहीं था। लेकिन खैर जब अपलाइंस ने कहा तो मैंने काम करना शुरू किया और मैंने ड्रीम लिखे, दिल खोल करके, बच्चा बन करके, सच्चा बन करके, और ड्रीम लिखा हमने। और जानते हैं जैसे ही मैंने वो ड्रीम लिखा उसमें से कुछ इमोशनल ड्रीम फिल्टर हुए और जो इमोशनल ड्रीम हमारे पास में आए उस ड्रीम की वजह से मैं बताऊं आपको, मैं वैल्यूएबल हो गया अपने के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने आप के लिए। देखिए कहते हैं ना कि जब आप अपनी जिंदगी में ड्रीम ढूंढ लेते हैं तो आपके अंदर में वैल्यू ऐड हो जाता है, आप वैल्यूएबल हो जाते हैं। डायमंड जाना है ना तो आप डिमांड करके डायमंड नहीं जा सकते, अपने आप को वैल्यूएबल बना के डायमंड जा सकते। इस सिस्टम ने हम लोगों को अपने बुक्स, सीडी और मीटिंग से हम लोगों के ऊपर में, खुद के ऊपर में पहले हार्डवर्क करना सिखाया, जिसकी वजह से हम लोग वैल्यूएबल होते गए और आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। जरा सोचिए तुम कि 8 घंटे में एक आदमी 1000 रुपीज कमाता है और उसी 8 घंटे में एक आदमी 10000 रुपए कमाता है। घंटे तो सेम है लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू क्यों डिफर हो रही है, उसके रेट डिफर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उसकी वैल्यू डिफर हो रही है। आपको मैं बताऊं, कहते हैं कि ड्रीम की साइज जिसकी जिसकी बड़ी होती है उसकी मार्केट में वैल्यू ज्यादा होती है। जिसकी साइज बड़ी होगी तो वो सुबह में उठने का कारण ढूंढ लेगा क्योंकि उसे सुबह क्यों उठना है। देखिए यही कहूंगा कि आप हस्बैंड वाइफ अपनी ड्रीम निकालिए और डायरी पे लिखना शुरू कीजिए, आप क्या चाहते हैं जिंदगी में। हस्बैंड अलग लिखे, वाइफ अलग लिखे, हर वो चीज लिखिए जो दिल करे। अगर आप बच्चा बन करके लिख सकते हैं तो लिखिए, वो सब कुछ लिखिए, सब कुछ। और उसके बाद उसको फिल्टर कर करके उसमें से कुछ 5 ड्रीम के करीब में निकालिए और उस पर फोकस कीजिए कि वो ड्रीम क्या है और उसके ऊपर में इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू कीजिए, जैसा कि हम लोगों ने किया। देखिए कहा जाता है कि जब आप अपनी फोटो देखते हैं ना, हर साल की फोटो, तो आपको फिजिकल चेंजेस के बारे में पता चलता है। लेकिन जब आप अपनी जिंदगी में हर साल अपनी डायरी निकाल करके अपने ड्रीम को देखते हैं और गोल्स को देखते हैं तो आपके मेंटल चेंजेस के बारे में पता चलता है।
इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए मैं ये बात कह सकता हूं कि अगर आपका वाई स्ट्रॉन्गर होगा तो आपके हाउ इजियर हो जाएंगे। यहां हर वो लोग कामयाब हैं जिनकी ड्रीम बड़ी है, जो दिल खोल के सोचते हैं, और उनके लिए सब कुछ आसान होता चला जाता है, क्योंकि इसके अंदर में बहुत सिंपल सिंपल स्टेप हैं। जितना क्रिस्टल क्लियर होगा उतना ही आपके लिए ये बिजनेस करना आसान होगा। देखिए, ड्रीम ताकतवर हो जाता है कब? जब उसमें डेट डाल दिया जाता है, उसमें पावर ऐड हो जाता है, उसको गोल कहते हैं। इस बिजनेस में जब आप आए, ड्रीम बनाई, आपने डेट डाली, तो गोल में कन्वर्ट हो गया। और जानते हैं, जो गोल ओरिएंटेड आदमी होता है ना, वो वैल्यूबल होता है, बहुत वैल्यू होती है उसकी। आपको एग्जांपल से बताता हूं कैसे। कहते हैं ना कि गोल ओरिएंटेड आदमी मैग्नेटिक होता है, गोल ओरिएंटेड हर आदमी के अंदर में मैग्नेट होता है। देखिए, गोल ओरिएंटेड का मतलब ऐसे समझिए, इसके ये वैल्यूबल कैसे है ये समझिए कि एक बार एक घोड़ी ने दो बच्चे दिए, दो घोड़े, एक घोड़ा रेस का घोड़ा बना और एक घोड़ा टमटम का घोड़ा बना। देखिए, जो रेस का घोड़ा था ना, उसके ऊपर में बाजियां लगती थी, उसको लोग देखने आते थे, वो हर दिन गोल के लिए दौड़ता था, उसका जॉकी उसको बहुत प्यार करता था, उसको काजू किशमिश बादाम मिलते, उसके लिए स्पेशल डॉक्टर है, उसमें लोग खड़े होकर चीयर करते, हर केयर उसके लिए होता है, वो हीरो की तरह दौड़ता है। लेकिन क्योंकि उसका एवरीडे गोल होता है कि उसे दौड़ना है और उसे जीतना है, पहले जाना है, इतने टाइम के अंदर में वहां पे अचीव करना है। और टमटम के घोड़े का क्या होता है? टमटम के घोड़े का यही होता है कि उसका कोई गोल नहीं होता, उसको जो गोल दिया जाता है, जो टारगेट दिया, तो उसके हिसाब से चलता है। उसको क्या मिलता है? काजू किशमिश तो नहीं मिलता, उसके लिए लोग चीयर नहीं करते, उसकी वैल्यू नहीं होती। दोस्तों, मैं आपको कह सकता हूं, ये मैंने किताब में पढ़ा, अगर आपके पास में गोल्स के लिस्ट नहीं है ना, तो आपके बैंक बैलेंस को बहुत आसानी से बताया जा सकता है। गोल में ये ताकत होती है। जब गोल बन जाती है तो प्लान तैयार करना पड़ता है, प्लानर, कि कैसे मुझे एक्शन प्लान। देखिए, इस बिजनेस में कहा जाता है कि जब आपने गोल बना लिया तो ड्रीम जो है बच्चे की तरह देखिए, लेकिन प्लान जो है वो इंटेलेक्चुअल की तरह बनाइए। आप अपने अपलाइन के साथ में बैठिए और बैठने के बाद में उनसे पूछिए कि मेरे इस ड्रीम को अचीव करने के लिए मुझे किस पिन पे कैसे कैसे वर्क करके के यहां पे पहुंचना है। वो आपको सारा प्लानर तैयार करने में मदद करेंगे, और जब वो मदद करेंगे तो आपको वो देखना होगा, वो प्लान को, और प्लान को देखने के बाद आपको फेथ करना पड़ेगा। पता है फेथ किसको कहते हैं? बिलीविंग इन अनसीन। वैसे यहां पे उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब लोगों को देख रहे हैं कि यहां पे बहुत सारे लोग कामयाब हो रहे हैं और आपके अपलाइन बड़ी तेजी से बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो तो आप देख करके फेथ करना है। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि आप उनसे लोन ले लीजिए फेथ से, और फेथ करिए, फेथ करिए एम्बे पे, फेथ कीजिए खुद के ऊपर में, फेथ कीजिए ब्रिट वॉल वाइट पे। अगर आप फेथ करते हैं तो आपके एक्शंस में वो सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। और मैं आपको बताता हूं कि एक्शन क्या है। एक्शंस, अगर एक्शंस की बात की जाए तो सिर्फ है 953 BIB। ये इस एक्शंस को अगर कोई आदमी रेगुलरली करता है, डिसिप्लिन होकर कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट करता है, मैंने देखा इस बिजनेस में वो बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छू लेता है। देखिए, कहते हैं ना कि जब कोई मैच आप देखते हैं तो आपने देखा होगा उस मैच में लास्ट बॉल पर कभी किसी ने सिक्स लगा करके मैच को जिता दिया, तो आपको क्या लगता है वो लास्ट बॉल इंपॉर्टेंट था फिर? नहीं, उसमें बीच में जो एक दो रन लिए गए थे ना, पूरे मैच में सारे रन उतना ही इंपॉर्टेंट थे जितना कि लास्ट बॉल। अगर एक्शन प्लान आप एवरीडे कर रहे हैं, वो आपके डायमंड शिप के लिए एवरीडे एवरी आवर का प्लान इंपॉर्टेंट,
और एक दिन आप डायमंड बनकर के आने वाले हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि इस बिजनेस में जो एक्शन है ना उसमें कोई कटौती मत कीजिए। जो बताया जाता है उसको अगर लगातार करते हैं आप बिल्कुल डिफरेंट दिखेंगे, आप बिल्कुल चमकते हुए दिखेंगे, आप बिल्कुल एक्साइटेड दिखेंगे। एक्शन के ऊपर में कंजूसी ना करें। मैं आपको बताता हूं, महात्मा गांधी तो यहां तक कहते हैं कि अगर कोई आदमी जितना कर सकता है अगर उससे कम करता है तो वो पहली चोरी खुद से करता है, पहली चोरी खुद से। तो आपको अगर लगता है कि हम एवरीडे जितना परफॉर्म कर सकते हैं उससे कम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमको उतना करना चाहिए। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस। तो हर दिन 953 BIB जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉलो कर रहे हैं वो वैल्यूबल हैं, उनकी वैल्यू है पेट्रोल बाइक की नजर में, एमवे की नजर में, आपकी टीम के नजर में, आपके खुद के नजर में, आपके ड्रीम के नजर में, आप वैल्यूबल हैं। दोस्तों मैं आपको इस बिजनेस में इसके स्टेप्स के बारे में बताने के लिए अपनी वाइफ को कॉल करूंगा जो बताएगी कि इस बिजनेस में क्या स्टेप्स हैं जिसको कि आप फॉलो करेंगे। बहुत सिंपल सिंपल स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स आपको बताने के लिए मैं चाहता हूं कि आपकी मदद से मैं अपनी वाइफ को कॉल करूं। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम कैम रुबीना। थैंक यू। मैं आपसे बात करूंगी 9 core steps के बारे में। फिर से वही 9 core steps? ओह नो, नॉट अगेन। बट एक बात बताइए, जब सचिन क्रिकेट में थे और एवरी डे प्रैक्टिस करते थे वो, है ना, एवरी डे प्रैक्टिस से वो क्रिकेट के स्टार बन गए, राइट, है ना? तो जब वो एवरी डे प्रैक्टिस से क्रिकेट के स्टार बन गए तो क्या हम एवरी डे 9 core steps करके डायमंड नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं हम लोग डायमंड, और ये 9 core steps करके ही हम लोग भी डायमंड गए। जितने भी डायमंड है यहाँ पे बिना 9 core steps किए वो डायमंड जा ही नहीं सकते। इसलिए अगर आप डायमंड जाना चाहते हैं तो आपको 9 core steps करना ही होगा। डिसिप्लिन होने में और गलती करने में दोनों में तकलीफ होती है, विच वन इज बेटर? डिसिप्लिन होना, राइट। जिस तरह हमें डायमंड जाने के लिए डिसिप्लिन होने की बहुत जरूरत है, उसी तरह हमें डायमंड जाने के लिए 9 core steps के हर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत जरूरत है। और उसका सबसे पहला स्टेप है स्टिपी एंड स्टिपी, यानी शो द प्लान एंड शो द प्रोडक्ट। कुमार हमेशा बोलते हैं कि प्लान को कभी भी बिना प्रोडक्ट के शो मत करो, बिकॉज विदाउट प्रोडक्ट प्लान इज जस्ट फेक। और बिलबिट कहते हैं कि बिजनेस का प्लान तो प्लान में ही है। अगर आप बिजनेस में प्लान नहीं दिखा रहे हैं तो आपने अपने बिजनेस का प्लान ही ले लिया। और सही बात भी है, अगर हम बिजनेस में हैं, बिजनेस में अगर हम प्लान नहीं दिखा रहे हैं तो कैसे हम ग्रो करेंगे? प्लान दिखाना बहुत जरूरी है। और जब भी आप प्लान शो करने जाएं, हस्बैंड वाइफ दोनों जाएं प्लान शो करने, बिकॉज बिलब्रिट कहते हैं कि जब आप हस्बैंड वाइफ दोनों जाते हैं प्लान शो करने के लिए तो ज्वाइनिंग की चांस 98% बढ़ जाती है। कितने लोग चाहते हैं कि उनके ग्रुप में बहुत सारी ज्वाइनिंग हो? सब लोग हस्बैंड वाइफ जाइए प्लान दिखाने। और उससे एक और फायदा है, पता है क्या, कि जब आप अकेले जाते हैं एज अ बैचलर तो उधर से भी एज अ बैचलर ही वो सामने बैठते हैं और वहां पे सिर्फ आपको चाय मिलती है, है ना? लेकिन जब आप वाइफ के साथ जाते हैं तो आपको चाय के साथ नाश्ता भी मिलता है। तो आप प्लान शो करने जाइए तो हस्बैंड वाइफ प्लान शो करने के लिए जाइए। और अगर एक बार वाइफ एक्साइटेड हो गई डायमंड जाने के लिए तो उनके हस्बैंड के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है सिवाय डायमंड जाने को। तो कितने लोग डायमंड जाना चाहते हैं? अपने वाइफ को इन्वॉल्व कीजिए बिजनेस में। और अगर जब आप अपनी वाइफ को इन्वॉल्व करेंगे बिजनेस में तो पता है आपको बिजनेस करने में और भी ज्यादा मोटिवेशन आएगा। पता है क्यों? क्योंकि एमवे बिजनेस में आने के बाद जितनी भी लेडीज होती है वो बहुत खर्चीली हो जाती है, बहुत ज्यादा शॉपिंग करने लगती है, बहुत ज्यादा खर्च करने लगती है खुद पे। तो वहां पे जब आपके पैसे खर्च हो रहे हैं तो
जाहिर सी बात है, आप कमाने के बारे में सोचेंगे, इसलिए अपनी वाइफ को इन्वॉल्व कीजिए। इस बिजनेस में दो इंपॉर्टेंट काम है, पहला शो द प्लान एंड दूसरा शो द प्रोडक्ट, एंड देन गॉड विल गिव यू अनदर एसटीपी सॉल्व द प्रॉब्लम। देन है 100% प्रोडक्ट यूज। 100% प्रोडक्ट यूज मीन्स 100% प्रोडक्ट यूज, नॉट 99.9%। क्योंकि आप जब 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपका टीम भी वही करेगा। हमें हमेशा अपने प्रोडक्ट की तरफ बहुत ईमानदार रहना है, क्योंकि ये एक ईमानदारी का बिजनेस है, और जब जैसा आप करेंगे वैसा ही आपका ग्रुप भी करेगा। अगर आप प्रोडक्ट को लेकर के बहुत ज्यादा ईमानदार है, वो परछाई आपको अपने ग्रुप में भी देखने को मिलेगी। वो कहते हैं कि मैं प्रोडक्ट के बारे में लोगों को कैसे कन्विंस करूं, मैं यही कहती हूँ खुद को कन्विंस कर लीजिए प्रोडक्ट के बारे में, आप लोगों को ऐसे ही कन्विंस कर लेंगे। हमें एमवे के प्रोडक्ट्स क्यों यूज करने चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, बचपन से हमने एक्स ब्रांड के प्रोडक्ट यूज किए, हमें क्यों ग्लिसर यूज करना चाहिए? बिकॉज ग्लिसर में पॉइंट होते हैं। वैसे तो एक्स ब्रांड में भी पॉइंट होते हैं कहा जाता है, बट वो पॉइंट किसे मिलता है? ओनर ऑफ एक्स ब्रांड, है ना? ओनर ऑफ एक्स ब्रांड ग्लिसर अगर यूज करेगा तो वो मूर्ख कहलाएगा, बट अगर ओनर ऑफ ग्लिस्टर अगर एक्स ब्रांड यूज करेगा तो वो क्या कहलाएगा? ये आपने कहा, मैंने नहीं। बट एक्स ब्रांड के प्रोडक्ट यूज करने से हमारे पैसे वेस्ट होते हैं, बट अगर हम एमवे के प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हमारे पैसे इन्वेस्ट होते हैं, राइट? एमवे के प्रोडक्ट यूज करने से हमें अभी जॉब की जरूरत नहीं है। हम लोग एवरी ईयर वर्ल्ड टूर करते हैं, हमारे पास एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल है। अब हमें जॉब के लिए सुबह सुबह उठने का टेंशन नहीं है। हम अपने बच्चे के हर ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं। इतनी सारी चीजें हमें मिली हैं इस एमवे प्रोडक्ट को यूज करने से, इसलिए हम लोग एमवे प्रोडक्ट यूज करते हैं। ये वॉल्यूम तीन चीजों से आता है, फर्स्ट सेल्फ यूज, रिटेल वॉल्यूम और होलसेल वॉल्यूम। अगर ये तीन चीज हम अपने ग्रुप में सिखा देते हैं तो पर्सनल पीवी करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि हमारे पिन का मामला तो हमारे पीवी से ही है। जितना आपके ग्रुप में पीवी होगा उतना ज्यादा आपका जल्दी उतना जल्दी आपका पिन अचीव होगा, राइट? और हम लोग ये सब काम करते हैं डेमो के थ्रू। डेमो हम लोगों को अपने ग्रुप में जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा सिखाना चाहिए। जो भी नए लोग आते हैं उनको डेमो के बारे में बताइए, कौन कौन से हैं प्रोडक्ट डेमो के, उनके बारे में बताइए, प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। अभी ई लर्निंग को लेकर के लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं, एक्साइटेड हैं बहुत ज्यादा उसको लेकर के। क्यों? क्योंकि अभी लोगों के पास थोड़ा सा टाइम की कमी हो गई है, लेकिन ई लर्निंग के थ्रू वो घर पे बैठ करके आसानी से प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज ले लेते हैं, प्रोडक्ट्स के डेमो देखते हैं उनके थ्रू। तो इसलिए ई लर्निंग का भी हमें अपने ग्रुप में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, है ना? देन हम बात करते हैं मेरा कस्टमर। इस दुनिया में दो चीज फैक्ट है, सेल एंड बाय, यानी कि खरीदना और बेचना, और मैक्सिमम सेलिंग होती है वुमेन की तरफ से। अभी कस्टमर बनाना पहले से थोड़ा सा इजी हो गया है, क्योंकि अभी लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स आ गए हैं और अभी लोग हेल्थ और ब्यूटी को लेकर के काफी ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। कहीं भी जाइए, किसी के पास भी जाइए, लोग हेल्थ और ब्यूटी की बात जरूर करते हैं। हर कोई अच्छा दिखना चाहते हैं, जेंट्स हो या लेडीज हो। और वैसे भी अभी ब्यूटी के प्रोडक्ट ज्यादा जेंट्स यूज करने लगे हैं, पता है? इसलिए क्योंकि वो भी अच्छा दिखना चाहते हैं, ऑब्वियसली उनके पास भी स्किन है। बहुत लोग कहते हैं आर्टिस्ट्री मुझे भी यूज करना चाहिए। मैं बोलती हूँ अगर आपके पास स्किन है तो आप भी आर्टिस्ट्री यूज कीजिए, क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। तो अभी बहुत इजी हो गया है कस्टमर बनाना, और लोग अब डेमो के थ्रू समझने लगे हैं कि प्रोडक्ट कॉस्टली नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है। और कहा जाता है ना कि 1000 शब्द बोलने से अच्छा एक डेमो दिखा दीजिए, वो कहीं ज्यादा इफेक्टिव होता है, राइट? और अभी वैसे भी महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अभी हमारे प्रोडक्ट के साथ बिल्कुल मैच करने लगी है, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। अक्सर लेडीज कहती हैं कि मैं प्रोडक्ट के बारे में लोगों से कैसे बातें करूं, मुझे अच्छा नहीं लगता है बात करना, कैसे मैं बोलूं? एक बात बताइए, जब एक लेडी गैर मर्दों से 10-20 रुपए कम कराने के लिए बहस कर सकती हैं, तो क्या वो अपने बच्चों की फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए
अपने बच्चों के ड्रीम के लिए, अपने बच्चों के बेस्ट एजुकेशन के लिए क्या वो कुछ लोगों से बात नहीं कर सकती प्रोडक्ट्स के बारे में? वो बिल्कुल बात कर सकती हैं, और वो भी इतनी क्वालिटी प्रोडक्ट्स के बारे में। बस उन्हें अपने अपना सोच का लेवल थोड़ा सा अप करना होगा और सब कुछ हो जाएगा। देन हम बात करते हैं बुक की। बुक मीन्स पीएमए बुक, ऐसे बुक जो हमारे माइंड को पॉजिटिव करता हो। हमारे माइंड को पॉजिटिव करने का बुक ऑफ द मंथ ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप बुक ऑफ द मंथ करा लेते हैं तो एवरी मंथ आपके घर पे एक बहुत अच्छी सी बुक आती है, जिससे आपका माइंड हमेशा चार्ज होता रहता है। क्योंकि हमारा माइंड दिन भर के बातों से नेगेटिव रहता है, तुम ये क्यों किए, ऐसा क्यों किए, वैसा क्यों किए, क्या हो गया घर में, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, इसकी वजह से हमारा माइंड बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है। बट ये बुक हमारे नेगेटिविटी को हटाती है। ये बुक हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा पावर है जो आपके और हमारे हाथों में है। ये बुक हमें अंदर से प्यूरिफाई करता है। हमारे बहुत सारी सोच में ये बुक हमारे सोच को पॉजिटिव करता है। जब एक ब्लैक कलर को जब हम व्हाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा व्हाइट कलर मिलाना पड़ता है, तब जाकर के वो ब्लैक व्हाइट में कन्वर्ट होता है, राइट। वो जो ब्लैक कलर है वो हमारा नेगेटिव है और व्हाइट कलर वो हमारा पॉजिटिव है। इस व्हाइट कलर को आप अपना बुक समझिए और नेगेटिव जो आपके दिमाग में है उसे ये बुक धीरे 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 व्हाइट कलर में कन्वर्ट कर देगा। सो एवरी डे हमें बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर हम बात करते हैं सीडी की। जिस तरह हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसी तरह हमें बिजनेस में ग्रो करने के लिए सिस्टम की बहुत जरूरत होती है, और यही हमारे बिजनेस का ऑक्सीजन है, राइट। हर एक सीडी का मतलब होता है इस बिजनेस में हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन। इसलिए हमें एसओपी पे हमेशा रहना चाहिए। आपको अगर बहुत बड़ा बिजनेस करना है तो आप खुद और आपके ग्रुप में एसओपी का फ्लो होना ही चाहिए, क्योंकि सिस्टम ही एक है जो हमें बांध करके रखती है। सिस्टम ही है जो हमें रिलेशनशिप का मायने समझाती है। तो इसलिए हमें एसओपी पे हमेशा रहना चाहिए। और सीडी देखने और सुनने से हमारा एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाता है और हमारा इस बिजनेस पे फेथ और भी ज्यादा आ जाता है कि ये बिजनेस हमसे होगा। जब इतने लोग बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ बिजनेस को बिल्ड, ये एक फेथ लेवल हमारे अंदर आता है। और अपने माइंड को एवरी डे रिचार्ज करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। आपको एवरी डे रिचार्ज कीजिए थ्रू सीडी, थ्रू बुक। फिर हम बात करते हैं मीटिंग फंक्शन की। मीटिंग फंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत लोग, कुछ लोग एमवे तो ज्वाइन कर लेते हैं बट उन्हें पता नहीं होता है कि वो मीटिंग फंक्शन में क्यों जाएं। जस्ट लाइक वैसे ही के जैसे हमने एक बच्चे को पजल्स के पीसेस तो दे दिए हैं, लेकिन उन्हें हमने ये नहीं बताया है कि उसे सेट कैसे करना है, किस तरह से क्या करना है, तो वो बच्चा टोटली कंफ्यूज होगा। उसी तरह से अगर हम मीटिंग फंक्शन में नहीं जाते हैं तो हम टोटली कंफ्यूज होंगे कि हमें बिजनेस में करना क्या है, हमें कैसे डायमंड जाना है। इसलिए हमें हर मीटिंग फंक्शन में, ब्रिट ओपन में, बीबीएस में, मेगा फंक्शन में आना बहुत जरूरी है। मीटिंग फंक्शन में आने से हमारा फेथ लेवल और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और यहाँ हमें एक ड्रीम मिलता है, एक विजन मिलता है बिजनेस को बिल्ड करने का। और मीटिंग फंक्शन हमारे नेगेटिव का आउटडोर होता है। देन हम बात करते हैं अपलाइन कम्युनिकेशन। हम लोग कॉम कब से कर रहे हैं? जब से हम लोग छोटे थे तब से हम लोग कर रहे हैं कॉम। पहले हमारी मम्मी क्या करती थी, अब हम लोग खुद से कॉम करते हैं, लेकिन अभी भी हमें मिरर की जरूरत होती है ना। तो इतने दिनों के बाद भी कॉम करने के लिए अगर हमें मिरर की जरूरत है तो क्या एवरीडे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए हमें अपलाइन की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है हमें जरूरत। एवरीडे हमें अपलाइन की बहुत जरूरत है, बिकॉज योर अपलाइन इज जस्ट लाइक अ मिरर, और उसकी जरूरत हमें हमेशा पड़ती है और हमेशा पड़ती रहेगी। ऑलवेज ग्रोइंग अपलाइन के टच में रहिए, बिकॉज आपकी अपलाइन ही है जिनके वजह से आप इस बिजनेस में हैं। सो एक बहुत टाइट और बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना करके रखिए। मैं जब भी सेमिनार करने जाती हूँ, जब भी कहीं जाती हूँ मीटिंग फंक्शन में, मैं एक बार अपने अपलाइन से जरूर बात करती हूँ। इसलिए क्योंकि उनकी ब्लेसिंग मुझे मिल जाए, उनका अच्छी बातें मिल जाए।
मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाऊं, इसलिए मैं हमेशा अपने अपलाइन से बात करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। देन हम बात करते हैं टीचेबिलिटी की। टीचेबिलिटी इज नॉट एबिलिटी टू टीच, इनफैक्ट दिस इज एबिलिटी टू लर्न। यहाँ टीचेबिलिटी हम लोग किसी को सिखाते नहीं है, ये तो अंदर से आती है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, फुटपाथ पे बहुत सारे लोग चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद कप्स को इधर उधर फेंक देते हैं, राइट? वो कप्स कहीं जाकर के उल्टा सीधा यहाँ वहां ऐसे करके गिर जाता है, लेकिन वहां पे जब बारिश होती है, जब पानी सब लोग फेंकते हैं, कुछ लोग जब वो पानी फेंकते हैं तो उस कप पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर पानी जाएगा या नहीं जाएगा। अगर कप उल्टा है तो वो पानी बिल्कुल नहीं जाएगा, लेकिन अगर कप टेढ़ा है तो पानी जाएगा और फिर निकल जाएगा, लेकिन कप अगर सीधा है तो उसमें पानी जाएगा और रहेगा भी पानी। आप सीधे कप है, टेढ़े कप है या उल्टे कप है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी सीखना चाहते हैं, राइट? टीचेबल होना आपके हम्बलनेस को शो करता है, और टीचेबल वही होगा जो अकाउंटेबल होगा। अगर आपको ग्रुप में टीच करना है तो सबसे पहले आपको टीचेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और टीचेबल होने का मतलब आप महान हैं। अकाउंटेबिलिटी, ऑलवेज बी अकाउंटेबल विथ योर वर्ड्स, बिकॉज योर वर्ड्स लाइक अ सीड, राइट? आपको सबसे पहले खुद के साथ अकाउंटेबल रहना होगा, आपको अपने अपलाइन के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ, अपने प्रोडक्ट के साथ, अपने एमवे बिजनेस के साथ, सबके साथ आपको अकाउंटेबल रहना होगा अगर आप बहुत बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं तो। बिकॉज यू आर रोल मॉडल ऑफ योर टीम, आप जैसा करेंगे आपके डाउनलाइन भी वैसा ही करेंगे। ये बिजनेस ड्रीम से स्टार्ट होता है, गोल में कन्वर्ट होता है और कमिटमेंट पे जाकर के खत्म होता है। दैट्स मीन अगर आप अपने कमिटमेंट में खरे उतरे, मीन्स 9 crore step अगर आप हमेशा करते रहें, तो nobody can stop you to become a diamond. आप डायमंड जरूर जाएंगे। इस बिजनेस को कमिटमेंट के साथ कीजिए, जैसे बिल ब्रिट ने कमिटमेंट किया था कि वो एवरी डे प्लान दिखाएंगे, एवरी डे। एक बार क्या हुआ कि एक बार वो प्लान नहीं दिखा सके सुबह से, शाम में अचानक उनके घर के सामने कोई एक आदमी था, उनको बिल ब्रिट ने जाकर के प्लान दिखाया। उसके बाद उस आदमी को पता नहीं क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया। नेक्स्ट डे एक और आदमी को वो साथ में लेकर के आएगा, उसने कहा ठीक है प्लान तो मुझे कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन मैं कल एक और को लेकर के आऊंगा, लड़का है वो जो कि लॉ की पढ़ाई कर रहा है। बिल ब्रिट ने कहा ओके ठीक है कल तुम लेकर के आना। देन उसके बाद वो दोनों आदमी ने उस लड़के को लेकर के वो आए उनके पास, उसने लड़के को प्लान दिखाया, बिल ब्रिट ने समझाया, काफी कुछ समझ में भी आ गया, बिजनेस स्टार्ट करने लग गए, वो काफी अच्छा बिजनेस करने लग गए। वो पता है लड़का कौन था? पॉल मिलर। एग्जैक्टली, वो लड़का पॉल मिलर था, बिल ब्रिट का क्राउन लेग। सो डोंट प्रीजज टू एनीबॉडी, किसी को भी आप प्रीजज मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा आदमी आपके लिए वो क्राउन लेग निकल जाए। इसलिए हर किसी को प्लान दिखाइए, बिकॉज कमजोर लोग तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। एंड बिलीविंग इन योर सेल्फ इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट सीक्रेट टू सक्सेस। इसलिए हमेशा खुद पे बिलीव कीजिए, खुद पे यकीन कीजिए कि आप इस बिजनेस को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। देन हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और पॉइंट होता है रिलेशनशिप with your husband, with your family members, with your upline, with your downline. और इस business की शुरुआत होती है घर से, और इस business का पहला team होता है home team. और अगर आपका home team बहुत strong है तो आप बहुत बड़ा business बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत होती है husband wife से। husband wife एक दूसरे के साथ बहुत strong और बहुत tight relation बना करके रखिए। कहा जाता है relationship between a husband and wife should be like the relationship between the hand and the eye. If the hand gets hurt, the eye cries, and if the eye cries, the hand wipes its tears. Right? इसलिए हमेशा बहुत अच्छा relation बना करके रखिए। Keep a very strong relation with your downline. जैसे हम अपने friends के साथ बहुत अच्छा relation बना करके रखते हैं, बहुत अच्छी friendship बना करके रखते हैं,
उसी तरह से हमें अपने डाउनलाइन के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप बना करके रखना चाहिए. फ्रेंडशिप इज नॉट हाउ यू फॉरगेट बट हाउ यू फॉरगिव, नॉट हाउ यू लिसन बट हाउ यू अंडरस्टैंड, नॉट हाउ यू सी बट हाउ यू फील, नॉट हाउ यू लेट गो बट हाउ यू होल्ड ऑन. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. रिलेशनशिप एक बैंक अकाउंट की तरह है जिसमें हम जितना डालेंगे, जितना जमा करेंगे, वो उतना ही ज्यादा बढ़ता है और हम उतना ही ज्यादा निकाल पाते हैं. अगर हम जमा किए बगैर निकालने की कोशिश करें तो हमें निराशा ही हाथ लगती है. इसलिए हमेशा हर किसी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बनाइए. और गॉड ने हम लेडीज को एक एक्स्ट्रा पावर दिया है जेन से, एंड दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप. ये बहुत अच्छा पावर है हमारे पास. कहा जाता है ना, दो जेंट्स सिर्फ पॉलिटिक्स और क्रिकेट की बातें कर सकते हैं, बट लेडीज अपने घर से लेकर के ससुराल तक की बातें कर लेती हैं. और कहा जाता है कि दो लेडीज के बीच अगर फ्रेंडशिप है तो उन दो हस्बैंड्स के बीच कभी झगड़े नहीं हो सकते, बट अगर उन दो लेडीजों के बीच झगड़े हैं तो उन दो हस्बैंड के बीच फ्रेंडशिप नहीं हो सकती. बट ऐसा नहीं है, हम लेडीज को अपनी क्वालिटी और पावर अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए हमेशा. ये बिजनेस आपको रानी बनने का मौका देता है, आपको किचन की चार दीवारी से निकालकर सारी दुनिया घूमने का मौका देता है आपको. ये आपके हर ड्रीम को पूरा करता है, आपके देखे अनदेखे चाहे अनचाहे सारे ड्रीम को पूरा करता है ये. एंड ऑलवेज वेरी गुड रिलेशन विथ योर अपलाइन, बिकॉज ये एक डुप्लीकेशन का बिजनेस है. आप जैसा करेंगे आपके अपलाइन आपके डाउनलाइन वैसा ही करेंगे. तो आप जो बोएंगे आप वही पाएंगे, इसलिए कुछ अच्छा बोइए ताकि कुछ अच्छा मिले आपको. एक रिलेशन तब और भी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है जब आप लोगों को एडिफाई करते हैं, और वो भी राइट एडिफिकेशन. एंड स्टार्ट फ्रॉम योर होम टीम. अपने हस्बैंड को हमेशा हमेशा एडिफाई कीजिए, हस्बैंड वाइफ को, वाइफ वाइफ हस्बैंड को. थोड़ा सा शुरू शुरू में मुश्किल होता है, बट हमें करना चाहिए एडिफाई. इससे क्या होता है कि इससे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है. क्योंकि हम लोग हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ हर कुछ शेयर करते हैं. वो कहा जाता है ना कि लाइफ स्टॉप्स व्हेन यू स्टॉप ड्रीमिंग, होप एंड्स व्हेन यू स्टॉप बिलीविंग, लव एंड्स व्हेन यू स्टॉप केयरिंग, एंड फ्रेंडशिप एंड्स व्हेन यू स्टॉप शेयरिंग. सो हमेशा आप शेयर कीजिए, एक दूसरे के साथ हमेशा शेयर कीजिए सब कुछ. अपने बच्चों को हमेशा एडिफाई कीजिए, छोटे से छोटे कामों के लिए, बड़े से बड़ों कामों के लिए. क्योंकि बच्चे आपसे हमेशा अच्छा सुनना चाहते हैं. मेरा बेटा बेटी जब भी गेम खेलता है और वो जब उसमें जीतता है आकर के, जब वो मुझे बताता है, मैं उसे बहुत एडिफाई करती हूँ. न्यास भी उसे बहुत ज्यादा एडिफाई करते हैं, और ये एडिफिकेशन उसे समझ में आता है. सोचिए, बच्चे को भी समझ में आता है कि क्या है एडिफिकेशन. आपके घर में जो मेड स्टाफ है आप उसे भी एडिफाई कीजिए. कभी जब वो अच्छा खाना बना करके आपको खिलाए, उसका एडिफाई कीजिए. हर अच्छे कामों के लिए अलग से डिश बना करके अगर आपको खिलाए, उसे एडिफाई कीजिए. आप जब एडिफाई करेंगे तो पता है नेक्स्ट डे आपको और भी अच्छा खाने को मिलेगा. इसलिए एडिफाई करना बहुत जरूरी है, बिकॉज दुनिया को हम सिर्फ अच्छाई से ही जीत सकते हैं. और एडिफिकेशन इज अ होल डे प्रोसेस, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये आपको एवरी डे एवरी टाइम करना पड़ेगा. एडिफिकेशन टू योर डाउनलाइन. कई बार ऐसा होता है कि डाउनलाइन हमारे हिसाब से काम नहीं करता है, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे एडिफाई करते हैं. हमें एडिफाई करना चाहिए, उसकी अच्छाई को लेकर के उसे एडिफाई कीजिए, उसके क्वालिटी को लेकर के उसे एडिफाई कीजिए. क्योंकि दुनिया में हर कोई इंसान एक जैसा नहीं है. जब हमारे हाथ की पांच उंगली बराबर नहीं है तो फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि सारे इंसान हमारे ही जैसे हो जाएं, है ना. इसलिए हमेशा उन्हें एडिफाई करिए. लेडीज को उनके ड्रेस के लिए एडिफाई कीजिए, उनके हेयर स्टाइल के लिए एडिफाई कीजिए, उनके मेकअप के लिए एडिफाई कीजिए, उनके वर्क एथिक के लिए उनको एडिफाई कीजिए. हमेशा एडिफाई कीजिए उन्हें. एडिफिकेशन में बहुत ताकत होती है, और जब आप किसी को एडिफाई करते हैं तो इसका मतलब ये होता है यू आर द बेस्ट. और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा वर्ड होता है, सबसे पावरफुल वर्ड होता है ये वर्ल्ड का. एंड ऑफ कोर्स
जब भी आपको मौका मिले आप अपने अपलाइन को जरूर रेडिफाई कीजिए हमेशा, क्योंकि अपलाइन ही है जिसकी वजह से हम सब लोग हैं। जब भी आपको मौका मिले जरूर एडिफाई कीजिए उन्हें, और जिस टीम में एडिफिकेशन और कम्युनिकेशन जितना ज्यादा होता है उस टीम में उतनी ही ज्यादा यूनिटी भी होती है, क्योंकि यूनिटी कम होने के पीछे का कारण होता है एडिफिकेशन कम्युनिकेशन। अगर ये दो चीज हमारे ग्रुप में कम होता है तो हमारा ग्रुप ग्रो करना थोड़ा सा शायद कम हो जाए। इसलिए हमेशा लोगों को एडिफाई कीजिए हमेशा। बस मैं यही कहूंगी कि एक हमेशा अच्छे रिलेशन के साथ, एक बहुत अच्छे एडिफिकेशन के साथ और एक सही कम्युनिकेशन के साथ बिजनेस को बिल्ड कीजिए। और एक चीज मैं कह करके एंड करूंगी, अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। नहारे हैं नहारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। सो थैंक यू वेरी मच, नाइस टू टॉक विथ यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब मैं माइक न्यास को देना चाहूंगी बिकॉज इन्हें सुनना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम माई फेवरेट स्पीकर न्याज अहमद। थैंक यू वेरी मच। एक जोरदार था क्लैपिंग भाई मेरी वाइफ के लिए। वाओ, बिकॉज ये बहुत प्यार से और बहुत हंसाते हुए बात करके सब कुछ बता देती है। देखिए, आपने 9 कोर स्टेप्स सुना, उस 9 कोर स्टेप्स में आपने 2 स्टेप्स सिर्फ ये सुना कि वॉल्यूम कैसे बनेगा। यानी ऑब्वियसली इस बिजनेस में जब प्रोडक्ट बिकते हैं, प्रोडक्ट सेल होते हैं, तभी जाकर करके इस बिजनेस में कोई भी चीज अचीव किया जा सकता है। लेकिन आपने 9 कोर स्टेप में 7 स्टेप पे नजर डाला होगा तो आपने देखा होगा कि ये जो 7 स्टेप्स हैं, ये 7 स्टेप्स आपको खुद को बिल्ड करने के लिए, यानी अपने आप पे इस्तेमाल करने के लिए खुद के ऊपर में। और खुद को बिल्ड करने का मतलब खुद को वैल्यूबल बनाने के, खुद को वैल्यूबल बनाने के लिए 7 स्टेप्स हैं। जानते हैं, एक किताब में मैंने पढ़ा कि डोंट विश फॉर लेस प्रॉब्लम और लेस चैलेंज, ऑलवेज विश फॉर मोर स्किल एंड मोर विजडम। इस बिजनेस में स्किल की जरूरत है, टैलेंट की नहीं। क्योंकि स्किल क्या है बताऊं मैं आपको, स्किल कोई भी ला सकता है अगर उस फील्ड में वो लगातार कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट होकर, डिसिप्लिन होकर के उस चीज को अगर वो लगातार करता है और मेंटर से पूछता है, करेक्शन करता है, तो डेफिनेटली उसके अंदर में वो स्किल आ जाती है उस फील्ड की। और जैसे ही आपके अंदर में स्किल आती है आप रिजल्ट लाना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इस बिजनेस में आपने डायमंडशिप अचीव की तो आपने क्या किया, देखिए इस बिजनेस में बुक्स, बेरिंग, सीढ़ियों के जरिए हमने अपनी एटीट्यूड, अपनी फिलॉसफी, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर में हार्डवर्क किया, जिसकी वजह से हम वैल्यूबल होते चले गए। और नतीजा यह है कि अब तो हम हर दिन, कहते हैं कि डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर अपने अंदर में चेंज ला रहे हैं। और मैं आपको भी यही कहूंगा, देखिए एमवे प्रोडक्ट के लिए तो आरएनडी डिपार्टमेंट है जो प्रोडक्ट को एवरीडे और अच्छा और अच्छा और अच्छा बेहतर बनाता है। लेकिन आप अपने बारे में सोचिए, आप अपने आप को एवरीडे और बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाते हैं जिससे मार्केट वैल्यू आपको मिले। यह सोचना बहुत जरूरी है। देखिए कहते ना कि जब स्किलफुल लोग पावरफुल होते हैं, वो नो और रिजेक्शन के चपेट में नहीं आते, कभी भी नहीं आते वो। कैसे, मैं बताऊं आपको, एक एग्जांपल से समझिए। देखिए कई बार हम लोग के बिजनेस में ये होता है कि कोई नया बिजनेस में आता है और बहुत स्किल नहीं सीखा होता इस बिजनेस में, तो वो रिजेक्शन या नो या कभी कभी
कुछ लोगों ने कुछ कह दिया, उससे वो परेशान हो जाता है, वो तुरंत फोन करता, अपलाइन ऐसे करता है, या फिर वो फोन बंद कर देता है, या फिर वो शांत होने लग जाता है। वैसे ही जैसे देखिए एक मेढक को अगर आप पीछे से छुएंगे ना, ऐसे वो फ्रॉग को अगर पीछे से आप टच करेंगे, वो क्या करता है, जंप करता है, जंप। वो जंप करता है क्यों, वो छोटा है, पावरफुल नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, जब आप शेर को, हंस रहे हैं आप, जब शेर को अगर गलती से आप पीछे से छूते हैं तो क्या होता है? एक बात, पहले तो आप छू नहीं सकते, और अगर आपने छुआ तो वो जंप नहीं करता, वो जंप कराता है। कराता है कि नहीं कराता? देखिए, अगर आप बुक पढ़ेंगे, सीरीज सुनेंगे और मीटिंग में रहेंगे तो आप जंप नहीं करेंगे, आप जंप कराएंगे। मैंने इन बुक सीडों से बहुत कुछ सीखा। इनफैक्ट मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा असर है जो चीज मैं अब बताने जा रहा हूं आपको। एक प्रिंसिपल है, 90-10 प्रिंसिपल, उस किताब में लिखा हुआ है कि आपकी जिंदगी के अंदर में 10% जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। जैसे सपोज कीजिए आप कहीं जा रहे हैं, एरोप्लेन लेट है, आप रेड लाइट पे खड़े हैं, रेड लाइट आ गई, आपके गाड़ी का ब्रेकडाउन हो गया, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है। आप किसी को प्लान दिखाने गए, उसने कुछ कह दिया, उसने नो कह दिया, आप गए वहां पे, वो मिला नहीं, तो ये 10% है। लेकिन 90% क्या है पता है? उस सिचुएशंस पर आपका रिएक्शन। ये 90% आपके जिंदगी पर हर जगह इंपैक्ट करता है। ये 90% क्या है? 90% मैं ऐसे आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि एक बार क्या हुआ कि एक आदमी अपने घर में ऑफिस जाने के लिए तैयार था, उसकी वाइफ भी ऑफिस जाने के लिए तैयार थी, वो टेबल पे बैठा, उसकी बेटी स्कूल जाने के लिए तैयार थी, वो स्कूल जाने के लिए जब तैयार थी तो उसकी नाश्ता लगा रही थी वाइफ, उसने इत्तेफाक से चाय का कप जो है वो कॉर्नर पे रख दिया, और कॉर्नर पे जब रखा तो बच्ची ने कुछ उठाने के चक्कर में उस प्याले में उसके हाथ टच कर गए और प्याले उलट गया और उसके कोट पे जाकर के और कपड़े पे वो चाय के दाग लग गया। वो बहुत जोर से झिल्लाया और अपनी बेटी को जोर से मार डाला और बहुत वाइफ को चिल्ला चिल्ला के बोला, तुम्हें समझ में नहीं आता, ये चीजें यहां नहीं रखी जाती है। बहुत जोर जोर से गुस्सा करने लगा वो, और गुस्से के हालत में वो अपनी बेटी को पकड़ करके और तेजी से गाड़ी ड्राइव करता हुआ निकला, और दौड़ता गाड़ी चलाते चलाते जब गया तो रेड लाइट पर उसने गलती कर दी और उसको पेनाल्टी हो गया। वहां पे उसने बहुत सारे पैसे पे किए। उसके बाद वहां से तेजी से भागता 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 गया, और जाने के बाद जब स्कूल पहुंचा तो स्कूल में लेट हो चुका था। वहां पे देखा कि उसकी बेटी उतरी तो, लेकिन उतर के जब जा रही थी तो वो उसे कभी भी टाटा बाय बाय नहीं किया, वो चुपचाप खामोश चली गई। फिर वो वहां से भागता दौड़ता अपनी गाड़ी के पास में आया और गाड़ी चला करके फिर तेजी से भागा, और भाग करके वो ऑफिस पहुंचा। ऑफिस में लेट हो चुके थे, बॉस उस पर गुस्सा हो रहा था। बॉस बोला, तुम हमेशा लेट आते हो, आज तुम्हारी रेड मार्क कर दिए जाएंगे। और उसमें बहुत गुस्सा होने के बाद वो अपनी सीट पे जाता है। जब वो सीट पे जाता है तो उसको कंप्यूटर के ऊपर में काम करता है, वहां पे भी उससे गलतियां हो जाती हैं। होल डे वो परेशान रहता है, शाम होता है वो घर वापस जाता है। जब शाम को घर वापस जाता है तो अपने दरवाजे पे खड़ा हो जाता है और देखता है उसकी बेटी एक कमरे में सोई पड़ी है, उसकी वाइफ किसी और कमरे में सोई पड़ी है, घर बिल्कुल सन्नाटा है। वो दरवाजे पे खड़े होकर सोचता है कि आज जो कुछ भी हुआ ये क्यों हुआ, क्यों हुआ ये? आपको पता है क्यों हुआ? वो सोचता है, अगर ये चाय कि पहले मेरे ऊपर भी गिरे थे, अगर मैं उस टाइम ये कह देता नो प्रॉब्लम, ये अभी ठीक हो जाएगा, लग जाता है, कोई बात नहीं है,
क्या ये कह देने से, ये रिएक्शन शो कर देने से उसका होल डे बेस्ट नहीं जाता? होता या नहीं होता? दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये बात हर की जिंदगी में है, हर के लाइफ में यही बातें होती हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपके साथ क्या घटना घट रही है, आप रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे, हमारे बहुत चैलेंजेस आए हैं, मैं सारा चैलेंज यहां पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत चैलेंजेस आए, लेकिन क्योंकि इस फिलॉसफी को मैंने समझा था तो मैंने रिएक्शन पे कंट्रोल सीख लिया था। जब मैं डायमंड जा रहा था उस मंथ में भी, जब जून में मैं डायमंड जा रहा था उस मंथ में बहुत बड़े चैलेंजेस आए थे, और उन चैलेंजेस पर हम लोगों की जो हर दब दिमाग में रहता था रिएक्शन पे कंट्रोल, और पता है उतने बड़े चैलेंजेस के बावजूद भी हम लोग उसी मंथ में डायमंड गए, जस्ट थिंक। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग इस ब्रिटोल वाइट की बुक्स, सीडी और मीटिंग में मौजूद रहे और ये सारी प्रिंसिपल को सीख पाए। दोस्तों जब आप मीटिंग फंक्शंस में रहते हैं, बुक्स में रहते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? आपके अंदर में कॉन्फिडेंस होता है, आपके अंदर में पावर होता है, और जब आप प्लान दिखाते हैं तो लोग आपकी प्लान को कितना देखते हैं, उसके लॉजिक को कितना समझते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो आपके कॉन्फिडेंस को जरूर देखते हैं, वो आपके आंखों को जरूर देखते हैं, वो आपके पैशन को देखते हैं, वो ये देखते हैं कि ये जो दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस है उसको ये कैसे बता रहा है, इसको क्या मिल गया है, वो ये देखना चाहते हैं, और उससे ही लोग आपके साथ आना पसंद करते हैं। देखिए ये सच है, अगर आप ऐसा करेंगे आपके बिजनेस में बहुत बड़ा ग्रोथ आएगा। इस बिजनेस में एक चीज बताई जाती है, इस सिस्टम्स में, कि ईगल जाइए और ईगल बनाइए। ये ईगल क्या है? ये वैल्यूबल लोगों का ग्रुप है, ये शेरों का ग्रुप है। अगर आप इस बिजनेस में ईगल जाते हैं ना, तो मैं आपको कह सकता हूं कि आप एक ऐसी बिजनेस का निर्माण कर रहे हैं जो लेगेसी क्रिएट करेगा, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत दूर तक जाएगा। याद रखिए, यानी ईगल बनिए और ईगल बनाइए। आपने उसमें फाइव नाइट्स के बारे में सुना, फाइव नाइट्स। देखिए कहते हैं ना कि कम से कम इंडिया में तो आप इससे ज्यादा कर सकते हैं, फाइव नाइट्स, एटलीस्ट फाइव नाइट्स। कहते हैं कि जब आप दूसरे के ड्रीम के लिए, दूसरे के काम के लिए आप अगर फाइव नाइट्स दौड़ सकते हैं उसके ड्रीम को कंप्लीट कराने के लिए, तो क्या आप अपनी जिंदगी में अपनी ड्रीम को पाने के लिए फाइव नाइट्स, शाम के शाम हस्बैंड वाइफ जब आपको छुट्टी मिलता हो, आप लोग किसी घर में प्लान दिखाने, उनको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बताने के लिए जा सकते या नहीं जा सकते? जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? Yes, बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप जा रहे हैं तो आप बिजनेस में ग्रो करेंगे। दोस्तों देखिए एक चीज और बताना चाहता हूं, आप अगर सिर्फ नॉलेज लेते हैं, आप नॉलेज के ट्रांसफॉर्मर बन जाते हैं, और अगर आप डेली प्लान नहीं दिखाते या प्रोडक्ट शेयर नहीं करते तो भी यह सही बैलेंस नहीं है। आपको ये जो नाइन कोर स्टेप बताई गई उसमें आप देखें सब कुछ एक साथ करना है, और ये एक साथ करने से ये सिनर्जिक इफेक्ट होता है इसका, और बहुत बड़ा रिजल्ट आपके बिजनेस में आएगा। देखिए मैं अब पावर के बात में, आप पावर के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। पावर, मैं तो पहले सिर्फ ये समझता था हॉर्स पावर होता है, लेकिन जब इस बिजनेस में आया तो मुझे पता चला कि कुछ पावर्स होते हैं इस दुनिया में, जिस पावर्स पे ये पूरी दुनिया के लोग खड़े हैं, और उस पावर का इस्तेमाल के बारे में मैंने कभी कॉलेज में, स्कूल में नहीं पढ़ा। आज मैं उस पावर को आपके सामने रखता हूं। जानते हैं क्या है? तीन पावर है, एक द पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड। देखिए कहा जाता है कि आप वो बोलिए जो आपके पास नहीं है और आप चाहते हैं, आप वो मत बोलिए जो आपके पास है और आप नहीं चाहते। मोस्ट ऑफ द केसेस में लोगों को देखेंगे वो जिंदगी में जो चीज है उसके बारे में बोलते हैं,
जो चीज चाहिए उसके बारे में कभी नहीं बोलते। यह सबसे बड़ी भूल है। देखिए, अगर कोई इस बिजनेस में आता और कहता है मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं करता, मेरे कोई प्रोडक्ट मूव नहीं होते, मुझे कोई लिंक नहीं आता, क्या आप यही चाहते हैं? नहीं। आप क्या चाहते हैं? आपके साथ में सब लोग ज्वाइन करें, सारे प्रोडक्ट मूव हो, आपके अंदर में दुनिया के सारे अच्छे अच्छे लोग आए, तो आप क्या बोलेंगे? आप ये बोलिए, थैंक यू गॉड, मेरी टीम में दुनिया के सारे एंबिशियस लोग आ रहे हैं, मैं जिनको प्लान दिखा रहा हूं सब ज्वाइन कर रहे हैं, मैं जिनको प्रोडक्ट शेयर करता हूं सारे प्रोडक्ट ले रहे हैं, ये अच्छा लगा आपको? यही चाहते हैं आप? यस, तो यही बोलिए। देखिए, आप अपने माउथ को एक मौका दीजिए माइंड को कंट्रोल करने का। गॉड ने सबसे अच्छी चीज यही बनाई है कि आप अपने माउथ से अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। ये पावर मैं नहीं जानता था बॉस, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद मैंने समझा, जाना। मैं आपको बताना चाहता हूं, ब्रेन को डिटॉक्सिफाई करना, ये क्या है? ब्रेन में बहुत सारे कचरे जाते हैं, माइंड में बहुत सारे कचरे जाते हैं, उनका डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। देखिए, जंक अगर फूड होता है तो जंक टॉक भी होता है। अगर जंक टॉक आप बहुत ज्यादा करते हैं तो आप पावर का मिसयूज कर रहे हैं और उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया नहीं आने वाला। कई लोग आपको मिलेंगे जो वर्ड का इस्तेमाल सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि वर्ड का इस्तेमाल डिस्क्राइब करने के लिए नहीं होना चाहिए सिचुएशन का, बल्कि सिचुएशन को चेंज करने के लिए होना चाहिए। अगर आप चेंज करने के लिए वर्ड यूज, देखिए आपका बोलना ही ये बता देगा कि आप कहां जाने वाले हैं। एक बार मैं बताता हूं, एक बार एक माने उसके एक लेडी के दो बच्चे थे, एक 7 साल का, एक 5 साल का। तो उसको बोलती थी कि जाओ तुम प्रे करो और गॉड से जो कुछ भी मालूम है मिलेगा। तो बोला ठीक है। एक रात छोटे बच्चे को बोला तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। रूम में गए वो, और जाने के बाद छोटा वाला बच्चा जोर जोर से चिल्ला रहा है, थैंक यू गॉड, आपने मुझे सब कुछ दिया, थैंक यू गॉड, आप मुझे VCD दिला दीजिए, थैंक यू गॉड मुझे iPad दिला दीजिए, और जोर जोर से बोल रहे। तो उसका भाई बोलता है, अरे इतना जोर से क्यों बोलता है? तो बोल रहे, पता है अगर बाय द वे गॉड नहीं सुने तो क्या हुआ, मां तो सुनेगी। द पावर ऑफ सबमिशन, एक और पावर, एक ऐसा सबमिशन जो मिशन के लिए हो। हम सभी इस बिजनेस में क्या करने आए हैं? हर एक दूसरे आदमी जो हम लोग के साथ आता है उसको कामयाब करने आए हैं। आए या नहीं आए? सबकी जिंदगी में खुशियां लाने आए या नहीं आए? राइट। तो ये एक मिशन है, और अगर आप मिशन के लिए काम कर रहे हैं तो आप सबमिट होंगे, राइट। और उसके बाद एक और पावर है, पावर ऑफ यूनिटी। अगर आप यूनाइटेड रहेंगे, ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम के अंदर में जो भी लोग काम कर रहे हैं, एमवे के अंदर में जो लोग भी काम कर रहे हैं, अगर यूनाइटेड होकर के काम कर रहे हैं, वो इस बिजनेस में लाइक एनीथिंग ग्रो कर रहे हैं, बहुत तेज से ग्रो कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप यूनाइटेड रहिए, हमेशा यूनाइटेड रहिए, एक साथ मिलकर करके आगे बढ़िए, ग्रो कीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है एक बहुत बड़े बिजनेस को बनाने के लिए। दोस्तों, आपने एक लाइन और सुना, BIB, बोर्ड इन योर बेडरूम। ये क्या है? आप अपने बेडरूम में एक बोर्ड लगाइए जिसके ऊपर में आप अपने बिजनेस, अपने गोल्स, अपनी ड्रीम्स उनको लिखें। रूम के अंदर में कोई ऐसी जगह हो जहां आप हमेशा देखते हो, वहां पे पिक्चरें चिपकाइए, अपने उन सारी चीजों को लिखें, हर मंथ जो आपके टारगेट हैं, जो स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, जो आपने गोल सेट किया है, उनको उसके ऊपर में लिख डालिए। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप देखते हैं, और अगर हर दिन आप देखते हैं और उसके बारे में इमेजिनेशन करते हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एक्चुअल एक्सपीरियंस एंड इमेजिनेशन, ब्रेन दोनों को सेम रिकॉर्ड करता है। अगर आप कोई किसी प्रोसेस से मैपिंग करके देखेंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें एक्चुअली में नहीं हुई, लेकिन फिर भी उसी के साथ वो रिकॉर्डेड है। तो वो कौन सी चीजें रिकॉर्डेड है? जो इमेजिनेशन में थी।
याद रखिए, अभी मैंने किताब में पढ़ा कि अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। आप अगर गौर से देखेंगे तो इस बिजनेस के अंदर में जो आता है, जितना ज्यादा इमेजिनेशन करता है, जितने ज्यादा ड्रीम को देखता है, जितने ज्यादा अपने बोर्ड इन योर बेडरूम लगा के उन सारी स्ट्रक्चर को देखता है, ग्रुप को ड्रॉ करता है, वो इमेजिनेशन में लाता है, वो अचीव करना शुरू कर देता है। यही रीजन है कि बोर्ड इन योर बेडरूम रहना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बिजनेस में अगर आप बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ी, और उस ऑर्गेनाइजेशन को जनरेशन टू जनरेशन ले जाना चाहते हैं, तो आपको कार्डिनल रूल्स फॉलो करने होंगे। वो रूल्स जिनको तोड़ने नहीं है, वो इसलिए क्योंकि आप एक बहुत बड़ी बिजनेस बनाना चाहते हैं। कहते हैं कि डोंट डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। आप बिना अपलाइन से चेक किए हुए कोई भी चीज आपको आइडिया है तो प्लीज उसको ना करें, और उसको एक बार जरूर अपलाइन से चेक कर लें, फिर आप करें। दूसरी चीज, डोंट पास एनी निगेटिव टू योर डाउनलाइन और क्रॉसलाइन। इस बिजनेस में आप कभी भी अपने डाउनलाइन को निगेटिव ना दें और अपने क्रॉसलाइन को भी निगेटिव ना दें, क्योंकि अगर आप निगेटिव देते हैं तो सबसे पहले असर आप ही के ऊपर में होता है। आप सोचते जरूर हैं या हम सोचते जरूर हैं कि इसका असर शायद उसके ऊपर में होगा, या मैंने ऐसी भड़ास निकालने के लिए बोला, लेकिन एक्चुअल में ये सबसे पहले नुकसान आपके खुद के लिए होता है, राइट? उसके बाद तीसरी चीज, डोंट मेस विद एनीबडी ईगो मनी एंड स्पाउस। कई बार आपने देखा है इस दुनिया में जितने भी झगड़े हुए हैं इन तीन चीजों को लेकर के हुई हैं, और आप इस बिजनेस में लोगों के बिजनेस है, लोग प्यार से आपस में रहना चाहते हैं, तो इन तीन चीजों के साथ में कोई मैसिंग मत कीजिए, कभी भी नहीं, कभी नेवर एवर एवर, कभी भी नहीं। दोस्तों, मैं आपको इतनी ही चीज बताना चाहता था। लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बिजनेस में कामयाब होने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप अपने ऊपर में हार्डवर्क करिए, साथ साथ आप अपने आप को वैल्यूएबल बनाइए, अपने आप को स्किलफुल बनाइए, अपने आप को पावरफुल बनाइए, और उसके साथ साथ हर शाम लोगों को प्लान दिखाने जाइए, अपॉर्चुनिटी बताइए, प्रोडक्ट के बारे में शेयर करिए, और आप जैसे मुड़ के देखेंगे कुछ दिनों में तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होंगे और सब लोग खुश होंगे और बहुत बड़ा बिजनेस होगा, बहुत बड़े बड़े पिंस आपके अंदर में होंगे और आप बहुत बड़े बड़े पिन पे खुद होंगे। क्या आप चाहते हैं ऐसा? आप अपने आप को दिए की तरह चमकाएंगे ना, दिए की तरह चमकाएंगे, दिए की तरह जलाएंगे, तो लोग तो आपको देखने आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे? यही है बिजनेस। मैं आपको कह सकता हूं कि जैसे दिवालियों में आप क्या करते हैं, दिवालियों में एक्चुअली में यह होता है कि हम सभी अपने घर को चमकाते हैं, अपने घर में दिए जलाते हैं। जब घर में दिए जलाते हैं और शाम के वक्त जब हम छत पे जाते हैं और मुड़ के देखते हैं तो पूरे शहर में जगमगाहट होती है, पूरा शहर चमचमा रहा होता है, होता या नहीं होता? अगर आप इस बिजनेस में 953 BIB खुद बहुत ज्यादा करेंगे तो जानते हैं क्या होगा, आपकी टीम में बहुत बड़े पिंस दिखाई देंगे चमचमाते हुए, डायमंड्स, क्राउन्स, और आप क्राउन एंड बियॉन्ड हो गए। देखना चाहते हैं साहब? आप चाहते हैं ये खुद हो, राइट? ये सब कुछ बहुत आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको लगा ये सिंपल है? यस, बिल्कुल सिंपल है। यही सिंपलिसिटी इस बिजनेस के अंदर में सब लोगों को लाती है। ये बहुत इजी डुप्लीकेबल है, जिसको बहुत आसानी से आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको लगा होगा कि ये सिंपल सिंपल स्टेप हम कर सकते, कर सकते या नहीं कर सकते? देखिए, अब मैं चाहूंगा कि आप खड़े होकर के हमारे साथ आइए, हम सभी
पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं सिचुएशन को चेंज करने के लिए। आप इस्तेमाल करेंगे मेरे साथ? तैयार हैं? राइट। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सिचुएशन का इस्तेमाल, इस वर्ड का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो आप बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे और सब कुछ चेंज हो जाएगा। मैं आपके भी हाथ में बोलूंगा कि हु एम आई, तो आप बोलेंगे आई एम ए डायमंड, और जो डायमंड है वो बियॉन्ड की बातें करेंगे। राइट तो आप, मैं आपके भी हाथ में बोलूंगा तो आप बोलेंगे हु एम आई, इतना कम से नहीं होगा, और जोर से हु एम आई, मुझे कोई नहीं बताएगा कि मुझे क्या चाहिए क्योंकि मेरा ड्रीम क्लियर है। हु एम आई, मुझे मेरी लिमिट कोई तय नहीं करेगा क्योंकि हु एम आई, हु एम आई। मैं तब तक प्लान दिखाता रहूंगा, तब तक प्रोडक्ट शेयर करता रहूंगा जब तक मैं डायमंड नहीं चला जाता। मैं इस दुनिया में हारने नहीं आया, मैं कोई भेड़ नहीं हूं जिसे गरेड़िया हाके, मैं शेर हूं। मैं भेड़ों की झुंड की तरह बात करने, चलने और सोने से इनकार करता हूं, बिकॉज हु एम आई, हु एम आई। आज से मैं अपनी एक नई जिंदगी शुरू करूंगा, आज से मैं अपनी पुरानी चमड़ी उतार करके फेंक दूंगा जिसके ऊपर असफलता की चोट के निशान है। आज मेरा नया जन्म होगा, बिकॉज हु एम आई, हु एम आई। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।